आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम जिस गाड़ी की बात करने वाले हैं वो गाड़ी लग्जरियस कार में सबसे टॉप 10 में आती है, मर्सिडीज़ की सबसे बेस्ट लग्जरियस कार। तो आप समझिएगा कि बात थी कि हम बात करने वाले हैं तो मर्सिडीज एस क्लास के बारे में, इसके लग्जरियस के मामले में रॉयल्स लॉयस के भी के बराबर की इसमें टक्कर है कि लग्जरियस के बारे में ये बहुत आगे गाड़ी, मतलब मर्सिडीज में सबसे बेस्ट लग्जरियस कार मानी जाती है द एस क्लास, और हमारे इंडिया में बहुत गिने चुने लोगों के पास ही है। तो हम इसका रिव्यू देंगे, साथ साथ आपके इसके पूरे इंटीरियर एक्सप्लेन करेंगे, इसका पूरा रिव्यू देंगे, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेने का सवाल ही नहीं उठता का, आपको लेनी चाहिए अगर आपके पास बजट है। तो चलिए स्टार्ट करते, तो हम आपका रिव्यू भी देंगे साथ साथ वॉक अराउंड, मतलब पूरा वीडियो में आपको बताएंगे मर्सिडीज इसके बारे में, एस क्लास के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में देखिए बेल आइकन पे क्लिक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके इंटीरियर्स की बात करें सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ईमेल मतलब सिस्टम लॉग इन आपका नाम से करना पड़ेगा, फिर आपको फुल वॉइस कमांड आपको मिलेगा और फिर फुल फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा, मतलब आपको जो फ़ोन आप वैसे वापरते हैं अपना सिक्योरिटी पासवर्ड सब डालते हैं उसमें आप इसमें भी डाल सकते हैं, और साथ साथ आपको मतलब ऑडियो म्यूजिक सब मिलेगा, वॉइस कमांड है। आप इसमें एक फीचर है जो बहुत बेस्ट है अब तक का, मसाज सिस्टम, मतलब आपको आपके सीट के हिसाब से आप मसाज इसमें ले सकते हैं आपके सीट के थ्रू अगर आप रिलैक्स है। इसमें आप देख सकते हैं नेविगेशन फुल मतलब 2020 सिमिलर मतलब अंदर के इंटीरियर से, और एक नया सिस्टम आया इसके अंदर वॉइस कमांड, आप इधर से अपने घर के लाइट बंद है या चालू आप देख सकते हैं इसको, मतलब आपको मर्सिडीज को आप पूछ सकते हैं कि आपके घर के लाइट ऑफ है या ऑन है तो आपको बताएंगी। फिर देखिए आप घर से कनेक्टेड होता है, नेविगेशन फुल 360 वर्जन व्यू आपको इसमें स्क्रीन में देखने मिलेगा, बाकी सब उसके जैसे ही हो। तो इसकी सेफ्टी की आप बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें जो इमरजेंसी ब्रेक होते हैं बहुत काफ़ी अच्छे थे, 5 स्टार सेफ्टी इसको मिलती है। तो ये और आप देख सकते हैं जो कार है वो साइड क्रैशिंग के टाइम 8 सेंटीमीटर लगभग ऊपर चली जाती है, क्योंकि जो साइड में बैठा हुआ पैसेंजर है उसको ज़्यादा हर्ट ना हो, मतलब और ज़्यादा उसको लगे ना, इसके लिए वो 8 सेंटीमीटर ऊपर हो जाते हैं। इसमें एयरबैग जो आपको पीछे भी दिखने मिलेगा और आगे भी मिलेगा, ये कार में बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, पीछे वाले को भी एयरबैग है और आगे वाले को, बाकी सब कार में सिर्फ आगे ही होते हैं। और ये लग्जरियस में सबसे बेस्ट कार है, 2.5 करोड़ इसकी प्राइस आपको मिलेगी इंडिया में, अब तक इंडिया में ये वाली लॉन्च नहीं हुई 2021 वाली, बहुत जल्दी आएगी। आप देख सकते हैं इसमें इमरजेंसी सिस्टम बहुत काफ़ी अच्छा है, और एक नया सिस्टम इसमें आ चुका है जो आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है ना आपको ये एरो, वो आपके स्क्रीन के ऊपर देखने मिलेगा, आपको बार बार नीचे मैप में नहीं देखना रहेगा, आपको ऊपर ही मैप जैसा आपको पूरा लुक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत बेस्ट सिस्टम है। और थर्ड इसका सिस्टम है वो ऑटो ड्राइव सिस्टम भी इसमें दिया हुआ है, और ऑटो पार्क सिस्टम भी आपको इसमें मिलता है, ऑटो पार्क सिस्टम आप देख सकते हैं, ड्राइव पायलट मोड पे हम जैसे डाल देते हैं गाड़ी तो ऑटो पार्किंग हो जाती है, आप देखिए इस वीडियो में इसने बताया, और उस ऐप से कनेक्टेड होता है ये ऑटो पार्क, अब देखिए परफेक्ट ऑटो पार्क हो रही है कार। और आपको कार में एक नया सिस्टम देखने मिलता है, जब हम राइट साइड में मुड़ जाते हैं तो ज़्यादा स्पीड में होते हैं तो कार अनबैलेंस होकर साइड में गिर जाती है, उसमें आपको नहीं देखने मिलेगा, मतलब आप जितने भी स्पीड में होगी ये कार अपने आप बैलेंस कर लेगी 10 डिग्रीज के थ्रू, आपको ये बैलेंस कर लेगी, मतलब अनबैलेंस नहीं होगी आपकी कार, और 2 मीटर्स के रेडियस में टर्न भी होगी बराबर से परफेक्ट। आपको ये सिस्टम जो अभी लेटेस्ट आया हुआ 2021 में, 2020 में आपको ये नहीं देखने मिलेगा। और एक कार जो है वो काफ़ी अच्छी, इसका प्राइस इंडिया में 2.5 करोड़ के आसपास इसका इंडियन प्राइस है, और इसके जो इंटीरियर्स में जो बदलाव है वो थोड़े से बदलाव है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वॉइस कमांड इसमें मिलता है, मसाज सिस्टम इसमें आपको ऑन किया जाता है, अपने आप से लॉगिन कर सकते हैं, सिक्योरिटी फिंगरप्रिंट दिया, ये तो 3-4 बदलाव है वो मैं आपको बताया, बाकी सब मैंने नहीं बताया क्योंकि 2020 और 2021 में ज़्यादा फ़र्क नहीं, 4-5 फ़र्क थे इंटीरियर्स में और बाहर के इसमें लुक में और सेफ्टी में, वो सब मैंने आपको बताया। और आप देख सकते हैं इसकी जो ये जो हमारे पास जो सैंपल है मतलब जो कार है इसमें आपको देख सकते हैं ब्राउन इंटीरियर्स में ब्राउन लेदर्स और सीट अंदर से देखने मिलेंगे, इसमें अलग अलग आते हैं कलर्स, वाइट में भी अवेलेबल है और बहुत 4-5 कस्टम्स कलर इसमें आपको अवेलेबल मिलते हैं। और ये जो कार है वो बहुत काफ़ी अच्छी कार है, मतलब इंडियंस की लग्जरियस, मतलब इंडियंस में जो करोड़पति हैं उन लोगों के पास ये कार होती है, बहुत कम लोग हैं जिसके पास ये कार है एस क्लास, अभी तक ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, जब लॉन्च होगी तो बहुत काफ़ी इसके डिमांड होगी। आप देख सकते हैं इसमें फुल इंटीरियर्स में बहुत अच्छा अमेजिंग सा लुक आ रहा है, और
इसकी इंजन की बात की जाए तो 3000 सीसी का इसका इंजन आपको देखने मिलेगा, पेट्रोल और डीजल वेरिएंट दोनों में आते हैं। इसका माइलेज जो 7 से लेकर 13 कंपनी इसको आपको बोलती है, हम अगर देती है 5, 5.5, 6 का आप समझ के लीजिए, एवरेज कंपनी 13 तक बोलती है। और इसकी जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है वो 500 से 700 का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और इसका हॉर्स पावर 210 to 270 kW का आपको देखने मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू में बेल आइकन पर क्लिक कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।